फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदी किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हम सारे नॉन वेजिटेरियन की बहुत पसंदीदा रेसिपी मटन रिजाला। तो आज के मटन रिजाला की रेसिपी जो मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक आपको बताऊँगी, वो सारा फॉलो करोगे तो जैसा मटन रिजाला हम रेस्टोरेंट में खाते हैं वो सेम मटन रिजाला, सेम टेक्स्चर, सेम टेस्ट, वो यम्मी टेस्ट आप घर पर भी बना सकते हो। लेकिन यही बात है कि आप प्लीज़ इस रेसिपी को, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए ताकि मैं हर एक स्टेप्स में कुछ नई बातें बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, वो सारा आप देखोगे तभी रिजल्ट जो है वो रेस्टोरेंट जैसी बनेगी, सेम टेस्ट बनेगी, नहीं तो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 400 ग्राम मटन। तो मैंने यहाँ रियाजी मटन लिया है, देखिए मटन विथ फैट लिया है। तो मटन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ हाँ वो योगर्ट या खट्टे दही के साथ। तो दही को मैंने फेंट लिया है, वो एक कप खट्टा दही मैंने मटन में मिला दिया और ऐसे मैं मैरिनेट करके रखूँगी प्लेन दही के साथ 4 to 5 hours। तो 4 to 5 hours आप ऐसे ही मैरिनेट करके रख दीजिए मटन को, और कुछ नहीं करना है और कोई इंग्रेडिएंट नहीं मिलानी है। तो अभी 4 to 5 hours बाद क्या करनी है तो वो देखते हैं। अभी हो गया है, तो अभी एक फ्राइंग पैन हमने ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ कुछ इंग्रेडिएंट्स हमको फ्राई करनी है। तो वो क्या है चलिए देख लेते हैं। तो पहले मैंने ले लिया है देखिए कुछ गार्लिक 7 to 8 cloves, जिंजर लिया है मैंने, अदरक 2 inch, और प्याज लिया है 2 medium size प्याज मैंने लिया है और उनको मैंने रफली चॉप कर लिया है, जिंजर को भी रफली चॉप कर लिया है। अब जो है गार्लिक, ऑनियन एंड जिंजर को मैं फ्राई कर लूँगी, लेकिन ज़्यादा देर तक हमको फ्राई नहीं करनी है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक जो प्याज है, जो ऑनियन है उनके कलर पिंक ना हो जाए। तो आधा, जैसे आधा सा फ्राई होगा प्याज, थोड़ी सी पिंक कलर आने लगेगी प्याज में, तो हम फ्राई करना बंद कर लेंगे क्योंकि हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर हम ब्राउन कलर तक फ्राई कर लेंगे तो जो हमारी रिजल्ट है वो सही नहीं बनेगी। तो आज मैं फ्रेंड्स, मेरी और एक फ्रेंड है पाकिस्तान में, तमन्नास किचन, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन किया है। उनकी रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, प्लीज़ देख लेना आप लोग। अब जो है इधर देखिए हमारा प्याज भी फ्राई हो चुकी है और मैं अब पेस्ट कर लूँगी वो जो हमने बनाया था। अब विदाउट वाटर मैंने पेस्ट बनाया है। अब उसी फ्राइंग पैन में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घी, क्लैरिफाइड बटर। तो उसमें मैं कुछ मखाना फ्राई कर लूँगी, फ्राई मतलब बस पैन रोस्ट करूँगी। तो 30 सेकेंड के लिए हमको पैन रोस्ट करनी है, ज़्यादा देर तक नहीं, मखानों को अच्छे से रोस्ट करनी है। तो चलिए मखाना को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, हो गई रोस्टिंग भी हमारी। अब मखाना को अलग से रख देती हूँ और बाकी जो मेन कुकिंग है वो हम बनाएंगे आज प्रेशर कुकर में। तो प्रेशर कुकर में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ वाइट ऑयल 5 tablespoons। तो 5 tablespoons वाइट ऑयल मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ बिग काट घी 1 tablespoon। अब मैं इसमें डालूँगी, देखिए गर्म हो गई है हमारी जो घी है, तो इसमें मैं अब डाल देती हूँ बिग कार्डेमन या बड़ी इलायची 3 ठो मैंने तोड़ के डाली है ताकि अंदर जो फ्लेवर है वो निकल के घी और तेल के साथ अच्छे से मिल जाए। तो अब मैं डाल रही हूँ सिनेमन स्टिक या दालचीनी, जो है 2 inch का दालचीनी लिया है, सिनेमन स्टिक लिया है, उसको तोड़ के मैंने डाल दिया उसी घी में। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने वो पेस्ट बनाया था वो भी हम अब डाल देंगे यहाँ पर। तो पेस्ट को हमको फ्राई करनी है ये जो गरम मसाला है इनके साथ, लेकिन ध्यान रखो फ्रेंड्स जो प्याज है वो भी फ्राइड है, जो गार्लिक है वो भी फ्राइड है, जो जिंजर है वो भी फ्राइड है। तो टोटल ऑनियन, गार्लिक, जिंजर या अदरक, लहसुन और प्याज ऑलरेडी फ्राइड है। तो यहाँ जो हम फ्राई करेंगे ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी पहले से फ्राई किया हुआ है। हमको बस ये जो गरम मसाला का फ्लेवर है ये हम ले लेंगे इस पेस्ट के अंदर। तो हम मीडियम फ्लेम में 2 to 3 minutes तक फ्राई कर लेते हैं अच्छे से,
लेकिन ध्यान रखें कि जो हमारी फ्राई हो रही है वो उसका कलर ना चेंज हो जाए, ब्राउन कलर की ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो रिजला होते हैं हम सबको पता है वो होती है वाइट कलर की। अगर प्याज जो है ब्राउन कलर की हो जाएगी तो रिजला की कलर भी चेंज हो जाएगी। अब मैंने कुछ सूखी हुई लाल मिर्च डाल दिया और डाल दिया ब्लैक पेपरकॉर्न या काली मिर्च 1 टेबल स्पून। अब लाल सूखी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपरकॉर्न या काली मिर्च के साथ मैं फिर से फ्राई कर रही हूँ वो मसाला। अब मैंने डाल दिया जो मैरिनेटेड मटन था, जो मैं 4 से 5 घंटे तक मैरिनेट करके रखी थी दही के साथ, वो अब मीडियम फ्लेम में ये सारे चीज़ों को एक साथ मिलानी है और चलाते जाना है, रुकना नहीं है 2 से 3 मिनट। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, जब आप डालोगे ये जो सूखी हुई लाल मिर्च है तो उसको तोड़ के मत डालना, ऐसे होल लाल मिर्च डाल देना। तो 3 से 4 मिनट बाद फ्राई कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने डाल दिया धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब धनिया पाउडर मिलाने के बाद हम और 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे ताकि धनिया पाउडर की जो कच्चापन है, जो कच्ची स्वाद है वो चला जाए। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें, जो बोल में मैंने मटन को मैरिनेट किया था उसी बोल में मैंने 1 कप पानी मिला के रखा है, उसी में से थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया इधर मैरिनेशन धुल के। अब मैं मिला रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है नमक। तो स्वाद अनुसार मिलाइए, मैं यहाँ 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा मिला रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार मिला लेना। अब मैं मिला रही हूँ इसमें चीनी या शुगर 1 टीस्पून, और फिर हम और एक बार मिला लेते हैं। तो चलिए और एक बार अच्छे से मिला लेते हैं, लेकिन हम मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखा है, उसे ज़्यादा नहीं करनी है। अब जो हमारी मटन है धीरे धीरे पक रही है, अब उसमें मैं डाल रही हूँ दालचीनी पाउडर या कार्डेमन पाउडर 1/4 टीस्पून और जावित्री पाउडर एंड नटमेग पाउडर 1/4 टीस्पून। तो मैंने 2 पिंच जावित्री पाउडर लिया और 2 पिंच जो है जायफल पाउडर लिया और एक साथ मिला के डाल दिया। आप एक साथ भी डाल सकते हो, अलग से डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी। अब जायफल, जावित्री और जो सिनेमन पाउडर है वो मैंने डाल दिया। अब जो बाकी का पानी था मैरिनेटेड वो बोल में मैंने रखा था वो भी मैंने डाल दिया धुल के। अब देखिए अलग से मैं थोड़ा पानी जो है बॉयल कर रही हूँ। अब क्या हुआ, इधर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सैफ्रॉन या ज़ाफ़रान, तो 1 पिंच ज़ाफ़रान में मैंने डाल दिया। और एक फ्राइंग पैन में मैं देखिए पानी अभी गर्म कर रही हूँ, तो क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा पानी अभी डालेंगे वो थोड़ा गर्म पानी डालेंगे तभी मटन अच्छे से कुक होगी, नहीं तो टेंडर मीट नहीं होगा, मीट सख्त हो जाएगी जितना भी हम प्रेशर कुक कर लें। तो हमने थोड़ा सा अब डाल दिया 1/2 कप के बराबर जो बॉयल्ड वाटर। अब मैंने प्रेशर कुक कर लिया 15 मिनट्स के लिए, 3 विसिल लगाया है और देखिए अब जो है हमारी मटन बिल्कुल सॉफ्ट है, रेडी हो गई है, ये पक चुकी है। अब आगे का देखते हैं क्या करना है। तो मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर को मैं अच्छे से घोल लेती हूँ, बहुत अच्छे से मिला लेना है मिल्क पाउडर को। तो देखिए हमारा मिल्क जो है रेडी है। तो हम डायरेक्ट मिल्क यूज़ नहीं कर रहे, इधर मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर जो है वो थोड़ा थिकनेस भी देगा हमारी ग्रेवी को और साथ ही साथ टेस्ट। तो इसीलिए प्लेन नॉर्मल मिल्क के बजाय हम मिल्क पाउडर लिया है। अब मैंने लिया है गुलाब जल रोज़ वाटर, देखिए 1 टेबल स्पून। अब जो रोज़ वाटर है उसमें मैं मिला दूँगी मीठा अतर 2 ड्रॉप, तो उसी में मैं मिला देती हूँ मीठा अतर जो है 2 ड्रॉप्स। थोड़ा ध्यान से मिलाना क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इसकी फ्रेग्रेंस, तो ज़्यादा हो जाए ना ये कड़वी हो जाती है, बिल्कुल ख़राब कर देगी। तो बस थोड़ा सा मिलाना है, बस 2 ड्रॉप मिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब उस मटन में मैं जो ये मीठा अतर और गुलाब जल एक साथ बनाया है वो मिला दिया, और जो मिल्क हमने घोल के रखे थे वो भी मिलाएंगे, और साथ ही साथ ये मखाना भी हमने मिला दिया। तो पहले मखाना मिला दिया, उसके बाद थोड़ा मिला लेती हूँ, और उसके बाद जो है वो मिल्क भी हम मिला लेंगे इसमें। तो अभी हम गैस के फ्लेम को धीमी करके रखे हैं, तो जो हमने घोल के रखा था मिल्क पाउडर वो भी हमने डाल दिया। अब फ्लेम जो है
धीमी कर दिया है हमने, अभी हम थोड़ा गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और 2 से 3 मिनट हम थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे कि ताकि जो नए चीज़ में जो भी हमने मिलाया है वो अच्छे से अपने आपस में मिल जुल जाए। तो अब मैं मिला रही हूँ फ्रेश क्रीम 1 टेबल स्पून। तो फ्रेश क्रीम मिला के बस 2 मिनट में बॉयल करूँगी और उसके बाद गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। तो फ्रेश क्रीम मैंने मिला दिया, थोड़ा सा मैं मिला लेती हूँ फ्रेश क्रीम को भी, अभी बहुत गर्म है जैसे आपको पता है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और मैंने सर्व कर दिया मटन रिजाला रेस्टोरेंट स्टाइल। आज मैंने मटन रिजाला सर्व किया है तंदूरी नान के साथ। अगर तंदूरी नान की रेसिपी आपको देखनी है तो मैं इन्हें एंड स्क्रीन पे दे दिया है, आप लोग प्लीज़ मेरे एंड स्क्रीन पे जाके तंदूरी नान की रेसिपी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।